Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shefali and today we will discuss about difference between formal and informal organization. इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में जाना और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना था, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, आप उस जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मीनिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डिफाइंड एज सच ऑर्गेनाइजेशन इन विच अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच मेंबर आर क्लियरली डिफाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो और होती हैं वो हर एक मेंबर की क्लियरली डिफाइंड होती हैं। किस मेंबर को कौन सा काम करना है, कौन से रोल सुपीरियर्स के हैं, कौन से रोल सबऑर्डिनेट्स के हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से डिसाइडेड होती हैं और हर एक को अपनी ड्यूटीज अपने उसी हिसाब से करनी होती हैं। ऑन द अदर हैंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच मेंबर आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। जैसा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर लोग एक अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अपने सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं होती किसी मेंबर के भी पास। ये यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली बातचीत होती है और ये एक बिल्कुल सिंपल सी विदाउट एनी रूल वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको बनाने का जो मेन पर्पस है, एस्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है? जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करना। गोल्स को कैसे अचीव करना है और क्या गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको यहां पर डिस्कस किया जाता है और उसी पर यहां पर काम किया जाता है। वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू फुलफिल द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बनाने के पीछे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के थ्रू बनाया जाता है। क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये उसका ही एक पार्ट है। कौन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है और ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अचीविंग सर्टेन गोल्स। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? इट इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स, क्योंकि ये एक जो एस्टैब्लिश की जाती है इनमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, जो सर्टेन गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको बनाया ही जाता है कुछ सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को पहले से एस्टैब्लिश किया जाता है और उनको ही फॉलो किया जाता है। हर एक एम्प्लॉई, हर एक मैनेजर और जितने भी अलग अलग उसमें काम करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं हर एक के थ्रू, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एज स्टेबल एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्टेबल नहीं होती है बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश इन द लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ये इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसलिए ये इतनी स्टेबल नहीं होती है। ये तो बस बन जाती है सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज साइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली टू लार्ज इन साइज
इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लार्ज लेवल पर होती है. उसमें बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, ये सभी लोग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही लार्ज लेवल पर होती है इसका साइज होता है. इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली टू स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्मॉल लेवल पर होती है इन कंपैरिजन टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होती है. तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से छोटे लेवल पर होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हीं के थ्रू ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ अथॉरिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली ओवर द सबऑर्डिनेट्स. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें जो अथॉरिटी पावर जो होती है वो कैसे फ्लो होती है, टॉप से बॉटम, मतलब कि वर्टिकली. ये जो टॉप लेवल का जो एम्प्लॉय है, सॉरी टॉप लेवल पे जो मैनेजर है, काम कर रहा है, वो ऑर्डर्स देता है और उसको सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो फॉलो करते हैं, जो नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो. ये जो होता है लोगों को, जो टॉप लेवल पे बैठा मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, और एम्प्लॉयज को कभी हायर करना है, कब उनको फायर करना है, और कब किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सारी जो काम है वो कौन करता है, वो टॉप लेवल पर बैठा मैनेजर करता है, और सभी को ऑर्डर्स देने का काम भी यही करता है. तो जो अथॉरिटी है, जो का जो फ्लो है वो टॉप से बॉटम की ओर होता है वर्टिकली, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ओवर सबऑर्डिनेट्स. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सबऑर्डिनेट से टॉप ओवर तक, टॉप लेवल के मैनेजर तक जाती हैं, ठीक है, सुपीरियर तक जाती हैं. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज. सो देयर इज हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं यहाँ पर कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ माना जाता है. यहाँ पर सभी एक तरीके से फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं. तो यहाँ पर जो है सारे जो है हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एक फ्लो होता है. यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होती है किसी के ऊपर कि आप इनको ऑर्डर दो या फिर आप इनको ऑर्डर दो. यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक समान होते हैं और सभी अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करते हैं फ्रेंड की तरह, और यहाँ पे किसी भी तरीके की लिमिटेशंस या बाउंडिंग्स नहीं होती हैं. तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो सभी की इक्वल होती हैं, ठीक है. तो ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस. तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस किया, आपको आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.